हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव अपनी चैन आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यहाँ पर आज की वीडियो जीएसटी में लेटेस्ट जजमेंट को लेकर है। जीएसटी में काफी बड़ी रिलीफ दी गई है। जो रिकवरी प्रोसीडिंग्स थी डिमांड ऑर्डर अगेंस्ट में, उनको भी जो है यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है और एसएससी को भी अपॉर्चुनिटी दी गई है। ये अपने आप में एक यूनिक जजमेंट है। ऑनरेबल कैलकटा हाई कोर्ट का जजमेंट आया हुआ है। यहाँ पर जो है ऑनरेबल कैलकटा हाई कोर्ट ने एसएससी के फैक्ट्स को समझा और उसके बाद यहाँ पर सभी फैक्ट्स को कंसिडर करने के बाद ये जो है यहाँ पर रिलीफ दी गई है। इसके फैक्ट्स जो है, अगर आपके केस से सिमिलर है तो आपको भी इस टाइप की रिलीफ मिलेगी। नोटिस के रिप्लाईज हो या फिर अपील फाइल करने में, दोनों केस में आप इसका यूज कर पाएंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसमें काफी सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपके क्लियर होने वाले हैं। आपके कुछ ऐसे राइट्स भी हैं जो कि आपको पता होना जरूरी है। जब भी जीएसटी में कोई भी नोटिस आते हैं, ऑर्डर्स आते हैं, उसके अगेंस्ट में क्या क्या राइट्स है, सब कुछ यहाँ पर पता लगने वाला है आपको। ये रिट पिटीशन जो प्रेजेंटली फाइल गई, इसमें चैलेंज किया गया एक ऑर्डर जो कि पास किया गया था जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा। एनाइजर भी अटैच था। उधर प्रेजेंट पिटीशनर, द पिटीशनर क्लेम्स टू बी ए कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर वेस्ट बंगाल कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट एंड क्लेम्स टू कैरी आउट द कोऑपरेटिव बिजनेस ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड पीपल्स। यहाँ पर जो है 250 मेंबर्स हैं अप्रोक्सीमेटली जो कि इन्वॉल्व है इसमें। जो पिटीशनर रजिस्टर्ड है सीजीएसटी में और वो एंगेज्ड है बिजनेस में रेंडिंग सर्विस ऑफ कलेक्टिंग पार्किंग फीस। तो यहाँ पर जो केस था वो मेन पॉइंट ये था कि डिपार्टमेंट की तरफ से डिस्क्रिपेंसीज निकाली गई जीएसटी रिटर्न में। जीएसटी SMT 10 जो है इशू किया गया। उसके बाद रेस्पोंडेंट जीएसटी डिपार्टमेंट ने पेटिशनर को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं की ताकि वो अपना एक्सप्लेनेशन सबमिट कर सके। उनको एक इंटीमेशन भेजा गया Section 73 Subsection 5 में 29 अगस्त को। उसके बाद एक और उनके पास सो कॉज नोटिस आया, द सेम वाज सब्सिक्वेंटली फॉलोड बाय द सो कॉज नोटिस इशूड अंडर दिस ऑन द सैड एक्ट 12th of September। अकॉर्डिंग टू द पेटिशनर हैड ड्यूली विद इन द टाइम फॉर प्रोवाइडिंग इट्स रेस्पॉन्स टू द अफोरसाइड नोटिस। पेटिशनर का कहना है कि उन्होंने टाइम लिमिट के अंडर में जो है रिप्लाई सबमिट किया और उन्होंने इसके लिए एक्सटेंशन का की बात करी कि सर कुछ एक्सटेंड कीजिए डेट को ताकि हमें अपने रेस्पॉन्स को प्रॉपरली सबमिट कर सके। वाइड रेस्पॉन्स उन्होंने कहा कि 11th अक्टूबर तक सबमिट कर देंगे। द सेम वाज ड्यूली अपलोडेड ये जीएसटी पोर्टल पर उन्होंने अपलोड भी किया, लेकिन फिर भी जो है जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से उनको कोई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं की गई हियरिंग के लिए इस रेस्पॉन्ड इस सोगोज नोटिस के रेस्पॉन्ड में। और उनके अगेंस्ट में जो है फाइनल ऑर्डर पास किया गया 6th of November 2023 और लाइबिलिटी जो है वो निकाल दी गई और लाइबिलिटी की रिकवरी की प्रोसीडिंग्स भी स्टार्ट हो गई। जो पेटिशनर की तरफ से लंडन काउंसिल है, उन्होंने कहा कि Section 61, 66 और 73 के जो प्रोविजंस हैं वो अपने आप में डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं और उन्होंने रिलाई किया 75(4) जो कि अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। इट इज सबमिटेड एट वेयर द प्रॉपर ऑफिसर, कोई भी प्रॉपर ऑफिसर अगर एडवर्स ऑर्डर पास करेंगे किसी भी एसएससी के अगेंस्ट में तो ये मैंडेटरी है कि उनको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, उनको अपनी बात कहने का मौका मिलेगा, उसके बाद ही उनके अगेंस्ट में ऑर्डर पास होगा। और अगर विदाउट विदाउट अपॉर्चुनिटी के कोई ऑर्डर जा रहा है तो वो ऑटोमेटिकली इनवैलिड है। उन्होंने इस बात को एडमिट किया कि पेटिशनर ने एक्सटेंशन के लिए रिक्वेस्ट फाइल की, लेकिन उनकी रिक्वेस्ट को कंसीडर नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि बस वो 3 एक्सटेंशन तक दे सकते हैं, उससे ज्यादा वो प्रोवाइड नहीं कर सकते। अब इस केस में जो है रेस्पॉन्डेंट की तरफ से जो लंडन काउंसिल है, उन्होंने भी जो है क्रॉस एफिडेविट सबमिट किए, उसमें उन्होंने पॉइंट्स बताए क्या, वो भी ध्यान से समझिएगा। पेटिशनर ने कहा कि उन्हें जो है एक एक्सटेंशन रिक्वायर्ड था इसके बाद जो है, ताकि जो भी पॉइंट्स थे वो प्रॉपरली अभी अवेलेबल नहीं थे। पॉइंट्स प्रॉपर प्रोफेशनल वाज नॉट अवेलेबल फॉर द पेटिशनर। उन्होंने कहा कि जो उनके प्रोफेशनल थे वो अवेलेबल नहीं थे और जो उनके तरफ से पॉइंट्स को सबमिट कर सके। द प्रोसीजर बींग हाईली टेक्निकल द रेस्पॉन्डेंट नंबर 1 और 2 भी ग्रांटेड द एक्सटेंशन। उन्होंने कहा कि ये एक्सटेंशन जो है नहीं दिया, इन्होंने एक फर्दर एक्सटेंशन की रिक्वायर्ड की थी। इन द प्रेजेंट केस द रेस्पॉन्डेंट नंबर 1 विदाउट इवन फॉर्मली रिजेक्टेड द एप्लीकेशन फॉर एक्सटेंशन। उन्होंने जो है एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं करा, बस फाइनल ऑर्डर पास कर दिया बाय रेफरिंग द रेलिवेंट पोर्शन ऑफ ऑर्डर 6 ही सबमिट दैट द प्रॉपर ऑफिसर हैड इररेगुलरली रिकॉर्डेड दैट ही हैड गिव मोर देन 6 अपॉर्चुनिटी टू द पेटिशनर फॉर द पेटिशनर टू रेस्पॉन्ड। उन्होंने कहा कि उन्होंने 6 से ज्यादा 6 अपॉर्चुनिटी उनको प्रोवाइड की थी, लेकिन फिर भी वो एक फर्दर एक्सटेंशन की बात कर रहे थे जिसको उन्होंने डिनाई कर दिया। प्रॉपर ऑफिसर ने जो है सेक्शन 61, 73 के प्रोविजन को ओवरलुक करते हुए फाइनल जो है डिमांड ऑर्डर पास कर दिया, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं की, जबकि ये मैंडेटरी है। 73 में भी मैंडेटरी लिखा हुआ है कि
सेक्शन 75 सेक्शन 4 के जो प्रोविजन है उनको कंप्लाई किया जाएगा, और यहाँ पर ये क्लियरली पता लग रहा है कि जो भी ये ऑर्डर्स है सस्टेन नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वायलेशन है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का। उन्होंने फर्दर सबमिट किया कि अगर इनको एक मौका और मिल जाता तो उस केस में ये अपने सबमिशन सबमिट कर देते, और उन्होंने कहा कि जो रेस्पोंडेंट के द्वारा अब यहाँ पर 2024 15 फरवरी 2024 में जो रिकवरी के नोटिस आए हैं उनको भी क्वेश किया जाए, इसी को यहाँ पर जो है क्वेश किया गया है। उन्होंने अपनी तरफ से रिक्वेस्ट सबमिट की कि जो ऑर्डर्स पास किए गए हैं उसके साथ साथ जो रिकवरी के ऑर्डर्स हैं उन सभी को क्वेश किया जाना चाहिए क्योंकि अदरवाइज जो है एसएससी को काफी हद तक लॉस होगा, इंजरी होगी। अब यहाँ पर डिपार्टमेंट की तरफ से जो लर्न काउंसिल है उन्होंने अपने सबमिशन सबमिट दिए, उन्होंने कहा कि अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड इनको प्रोवाइड किए गए 6 times इनको प्रोवाइड किए गए हैं, इनको मल्टीपल अपॉर्चुनिटी भी दी गई है, और उसके बाद जो है जीएसटी डिपार्टमेंट के पास जीएसटी ऑफिसर्स प्रॉपर ऑफिसर के पास और कोई तरीका नहीं था, उन्होंने इसलिए 73(5) में ऑर्डर पास किया। उन्होंने कहा कि उससे पहले भी जो नोटिस आए थे उसमें उन्होंने प्रॉपरली इनको जो है 6 adjournment दी थी, फर्दर ये adjournment के लिए बात कर रहे थे, इसलिए प्रॉपर ऑफिसर ने रिकॉर्ड किया रीजन को कि वो जो है उन्होंने 6 से ज्यादा adjournment दे दिया, वो फर्दर adjournment नहीं प्रोवाइड करेंगे, और इस केस में जो है उन्होंने अकॉर्डिंग टू लॉ अपने जुडिक्शन के अंदर ही ये जो ऑर्डर है पास किया है। उन्होंने ये भी कहा कि जो अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड है उनको ऑलरेडी प्रोवाइड किया जा चुका है। अब ऑनरेबल कोर्ट ने दोनों तरफ की पार्टीज को ये दोनों चीजें कंसिडर करने के बाद अब यहाँ पर फाइनल वर्डिक्ट दिया है। अब इसमें समझिएगा ध्यान से, एक आ गया है कि सेक्शन 61 का उनके पास नोटिस आया, ठीक है, उसके बाद इंडिमेशन में सेक्शन 73 का ऑर्डर पास होने में बीच में इन्होंने अर्जेंटमेंट भी ली, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो पेटिशन से लर्न काउंसिल है उन्होंने क्लियर कहा कि अपॉर्चुनिटी जो है वो डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी एडवर्स ऑर्डर पास होने से पहले दी जानी जरूरी है, इनको लास्ट अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, इसीलिए ये चीज एडमिट की गई यहाँ पर कि जो ऑर्डर लास्ट में पास किया गया इसके लिए इन्होंने ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया था एडजमेंट के लिए, उसके अगेंस्ट में रिजेक्शन ऑर्डर ना पास करके डायरेक्टली फाइनल ऑर्डर पास कर दिया गया विद इन द ड्यू डेट द प्रॉपर ऑफिसर उन्होंने जो है रिजेक्ट नहीं करी, उन्होंने कह दिया कि 6 से ज्यादा उन्होंने ऑलरेडी दे दिया एडजमेंट और फाइनल ऑर्डर पास कर दिया, जबकि फाइनल ऑर्डर पास करने से पहले कि आपके अगेंस्ट में फाइनल ऑर्डर पास किया जा रहा है एक अपॉर्चुनिटी तो उनको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ये भी ऐसा चाहिए फेवर में काफी बड़ा पॉइंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। सेक्शन 75(5) के अंडर में ये भी लिखा गया है कि अगर प्रॉपर ऑफिसर को ऐसा लगता है तो वो जो है दे सकते हैं अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड कर सकते हैं जब उन्होंने 6 प्रोवाइड कर दी, क्योंकि अगर यहाँ पर एक्ट की बात करें तो एक्ट में तो 3 ही लिखा हुआ है, शैल बी ग्रांटेड फॉर मोर देन, कोई भी जो है अर्जेंटमेंट 3 से ज्यादा नहीं दी जाती, तो जब उन्होंने 6 प्रोवाइड कर दी तो एक लास्ट अपॉर्चुनिटी क्यों प्रोवाइड नहीं की गई, इसी बेस पर पूरा का पूरा इनके फेवर में आ गया। Having regard to the aforesaid, I am of the view that when the petitioner, once the petitioner has sought for an extension, the respondent number one obliged. कि अगर petitioner ने एक केवल एक last में कहा था कि ये एक opportunity मिलनी चाहिए तो ये obligations है department की तरफ से कि वो उनके application को entertain करते और उनको extension provide करते, ना कि final order pass कर देते कि ये लिख के कि 6 से ज्यादा इन्होंने दे दी। There is no findings on the part of respondent और इसके रिगार्डिंग में कोई findings नहीं है कि वो मना क्यों कर रहे हैं कि petitioner को आगे sufficient extension क्यों नहीं दिया जा सकता, बस ये उन्होंने direct consider कर दिया कि 6 से ज्यादा adjournment ले लिए इसलिए उन्होंने जो है इनके application को reject कर दिया और उन्होंने इसलिए जो है इनको proper opportunity provide नहीं की गई। जो adjournment है वो provide की जा सकती थी, section 61 rule 99 में भी ये procedure provide किए गए हैं और ये provision जो आपस में club नहीं किए जा सकते। सेक्शन 73 के प्रोविजंस भी सेपरेटली अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, इसीलिए सेक्शन 73 के प्रोविजन को कंसीडर करने के बाद यहाँ पर जो है जो फाइनल ऑर्डर पास हुआ है वो विदाउट ग्रांटिंग एक्सटेंशन हुआ है, ये लास्ट इनकी अपॉर्चुनिटी अभी भी रह गई है जो कि पर्सनल लीडिंग में हो सकता है, ये अपनी तरफ से प्रॉपर सबमिशन दे देते। सफिशियंट कॉज एप्रीएबल टू बी ए क्लियर एक्सरसाइज ऑफ द पावर बाय द सैड अथॉरिटी ऑल्दो इट हैज बीन आर्ग्यूड बाय द respondent that the petitioner have been alternate remedy in the form of an appeal. I am of the view that an appeal is no substitute for the revisiting of an ex parte order, especially when the defense of the petitioner is not on record. Further, since the order stand vetted on the grounds of violation of principal justice, इन्होंने कहा कि जी अपील जो है वो प्रॉपर नहीं रहेगी, इसीलिए यहाँ पर जो रिट पिटिशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि इनके पास जो अल्टरनेट रेमेडी है वो कोई बार नहीं लगाती है कि ऑनरेबल कोर्ट जो है अपनी तरफ से इसको जज नहीं कर सकती है, वो जज कर सकते हैं, इसीलिए इन्होंने जो डायरेक्शन रिकवरी की है
15 फरवरी 2024 की है उसको उन्होंने क्वेश्चन कर दिया, और उसके बाद जो है पेटिशनर को डायरेक्शन दी कि वो अपने रिप्लाई को प्रॉपरली सबमिट करे ऑन और बिफोर 15th of March. रेस्पॉन्डेंट ऑल्सो डायरेक्टेड टू कम्युनिकेट टू द पेटिशनर. उसके बाद जो है पर्सनल हियरिंग के लिए कम्युनिकेशन जीएसटी डिपार्टमेंट को भी करना है, और अगर पेटिशनर कोई रेस्पॉन्स नहीं करते हैं तो उस केस में जो है फिर ऑर्डर पास किया जा सकता है और फर्दर कोई भी एडजमेंट नहीं दी जाएगी. तो ये था फाइनल जजमेंट जो कि एसएससी के फेवर में आया है. इसमें काफी सारे पॉइंट्स आपने समझे भी होंगे, इनको नोट कर लीजिएगा. अपील के केस में आपको इसमें काफी हेल्प मिलने वाली है. इसी टाइप के काफी सारे जजमेंट वीडियोस यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है. फाइलिंग प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन, इसके अलावा काफी सारे वीडियो जिसमें ड्राफ्टिंग कैसे आपको करनी है वो आप सीख सकते हैं. वीडियो के लिंक्स में काफी सारे ड्राफ्ट प्रोवाइड किए गए हैं, हर टाइप के नोटिस को, अपील को, सब कुछ कवर किया गया है. वीडियो देखेगा, चैनल का जो पर्पज है फुली एजुकेशनल है. चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें, वीडियो जरूर देखेंगे. वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच.